हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कविता होम स्टाइलिंग में आप सबका स्वागत है सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि फेस्टिवल सीजन बिगिन हो गया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी शुरुआत कुछ मीठा बना के की जाए और इसके लिए मैंने कहा कुछ अलग बनाया जाए तो आज हम डिफरेंट काइंड ऑफ बेसन के हलवे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू चलिए इसके लिए मैंने थोड़े से वाइट तिल लिए उन वाइट तिल को मैंने ड्राई रोस्ट किया ड्राई रोस्ट करने के करने के थोड़ी देर किया लगातार चलाया नहीं तो वो छिटक कर हमारे ऊपर गर्म गर्म तिल आ जाते हैं फिर मैंने अगर मैंने आ, मैंने एक पूरा बाउल बेसन लिया है तो उसका हाफ़ मेजरमेंट उसका आधा मैंने घी भी लिया है साथ में कुछ बादाम लिया है कुछ तिल लिए हैं और बाकी एक छोटे बाउल हाफ छोटे बाउल चीनी लिया मैंने एक चम्मच घी कढ़ाई में डाला उसको गर्म करके उसमें जो बेसन था उसको ऐड कर दिया हमने सारा घी एक साथ ऐड नहीं कर, करना है क्योंकि जो बेसन है बेसन का नेचर एब्जॉर्बिंग होता है और वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है तो हम इसे वन बाय वन प्रोसेस बाय प्रोसेस हम इसको घी को ऐड करेंगे एक चम्मच घी के साथ मैंने थोड़ा उसको रोस्ट किया भून लिया बेसन को और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर के बाद एक चम्मच घी और डाल लिया लगभग पाँच मिनट भूना था उसके बाद मैंने फिर हम पाँच मिनट तक इसको इस वाले घी के साथ बहुत ही सीम आँच पर भूनेंगे दो चम्मच घी हम इसमें ऐड कर चुके हैं पूरा और इसको बहुत अच्छा टेक्सचर बहुत टेस्टी बनाने के लिए बेसन के हलवे में मेहनत बहुत लगती है बट इट्स सो अमेजिंग इट टेस्ट अमेजिंग बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका और दूसरे किसी मीठे हलवे को खाओ उसके बाद थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है हमारे मुंह में बट इसको खा के यकीन मानिए बिल्कुल भी नहीं होता है उसके बाद थोड़ी देर उसको भी फ्राई कर लिया हमने उसके बाद फिर से मैंने एक चम्मच घी और ऐड किया है और उसको ऐड करके हम फिर से इसको रोस्ट टॉस सॉटे करेंगे और हम कर रहे हैं इसको थोड़ा हम और इसको कढ़ाई को हमने इसको बनाने के दौरान लगातार चलाना है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी चिप ड्राई होता है उसकी वजह से बेसन बहुत जल्दी चिपकने लगता है कढ़ाई में और वो जल जाता है बहुत जल्दी अब हमने तीन बार बेसन एक एक चम्मच डालकर हमने इसको तीन बार ड्राई रोस्ट कर लिया है अब हम इसमें फिर से थोड़ी देर हम इसको ऐसे चलाएंगे जब ये थोड़ा देखिए अब ये होने लग गया है काफ़ी अच्छे से भून चुका है हमारा बेसन और इसकी जो महक है वो भी जा चुकी है और अच्छा भून चुका है अब, अब हम इससे अब इसमें इसकी बाकी की प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे अब ये तीन चम्मच घी हमारा पहले लग चुका है अब हम बाकी का घी जो है वो रेस्ट जो अमाउंट है उसको जब हमारे ये रेसिपी जैसे जैसे प्रोसेज प्रोसीजर की तरफ जाएगी हम उसको डालते जाएंगे अब जब जब मैंने ये सब कर लिया है देखे ये देखे ये कितना अच्छा भून गया है ना बहुत अच्छे से मेन जो इसमें काम है वो इसको भूनने का है एक कटोरी मैंने अगर बेसन लिया था दो कटोरी इसमें पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी एक कटोरी पानी को मैंने अभी ऐड कर दिया है इसमें लम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं आपने लम्स को बनने नहीं देना आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चलाते रहना है बट मैं ऐसा नहीं कर पाती थी कर पा रही थी बिकॉज मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से मैं ये कर रही थी मतलब पानी डाल रही थी तो मैंने पहले जो एक कटोरी पानी डाला उसके साथ इसको थोड़ा हिला लिया उसके बाद मैंने इसमें से दूसरी कटोरी दूसरी बॉल पानी की भी ऐड कर दी अब हमारा असली काम स्टार्ट होता है क्योंकि हमें इसे लम्ब्स बनने देने से रोकना है हम इसको लगातार चलाएंगे इसको दबाते रहेंगे प्रेस कर कर के जो भी लम्ब्स बनने के हमें थोड़े बहुत भी चांसेस लग रहे हैं उन सबको हमको ब्रेक कर देना है इसके जितनी भी गांठ है इसमें बनने की और बनती हैं आप कितना भी प्रोसीजर कर लीजिए देखिए अब देखिए ये बनना बंद हो गई है काफ़ी हद तक हमारा ये भून भी चुका है पानी के साथ एडअप हो चुका है और पानी इसके साथ पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका है बट अभी भी स्टिल लम्स हैं इसमें छोटी छोटी और अगर हलवे में लम्पस आएंगे तो उसको खाने का मज़ा ही नहीं आता इसी दौरान हम अब क्योंकि लम्ब बिल्कुल ख़त्म हो गई थोड़ी बहुत हैं हम इसमें जो एक छोटी बाउल मैंने कटोरी में चीनी ली थी वो भी ऐड कर देंगे हम उसको ऐड करके अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसको स्किप चीनी को स्किप कर सकते हैं उसकी जगह खांड भी ले सकते हैं खांड का टेस्ट खांड का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है तो अब हम इसको, इसको इसके साथ मिक्स करेंगे इसको साथ मिक्स करके फिर से कोई मौ। थोड़ा मॉइस्चर छोड़ेगी चीनी चीनी का मॉइस्चर छूटेगा और हम इसको चलाते रहेंगे फिर हमने जो हमारा बचा हुआ घी है उसमें से एक चम्मच ऐड किया और थोड़ा फिर से हमने इसको अपनी कढ़ाई में हमारे ये जो मटेरियल है इसको फिर से चलाया और लम्स लगभग लगभग खत्म हो चुके हैं ये जो आपको दिख रहा है वाइट व्हाइट घी है जो अभी उसमें बहुत अच्छे से समअप नहीं हुआ है फिर भी हम इसके लम्स को लगातार तोड़ेंगे लगातार हम इसको घुमाएंगे चलाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गांठे ना बन पाए अब ये बहुत अच्छे से हो चुका है अब इसमें कोई गांठ भी नज़र नहीं आ रही है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमारा बाकी का बचा हुआ घी है हम उसको भी ऐड करेंगे देसी घी इसमें आप जितना यूज़ कर रहे हैं उतना ही टेस्टी बनता है मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है बट जो बहुत ज़्यादा खाते हैं वो उनकी चॉइस के ऊपर है हम बहुत ज़्यादा घी ऑयली ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम थोड़ा सा हेल्दी रेसिपीज में मैं बिलीव करती हूँ हेल्दी और वेल्दी लाइफ चलिए अब ये देखिए अब ये काफ़ी अच्छे से हो चुका है अब इसमें लम्पस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं अब हम इसमें बाकी का प्रोसीजर भी स्टार्ट करते हैं हमारा जो बाकी का घी है हम उसको लेके इसमें वन बाय वन अब फिर से डालना शुरू करते हैं और उसको डाल के हम इसके साथ चलाएंगे एक चम्मच घी मैंने और डाल दिया है थोड़ा सा चलाएंगे फिर जितना भी मेरा बाकी का बचा हुआ घी है उस सारे घी को ऐड करके हम इसको पूरी तरह से चला चला कर घी इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और पूछ पूरी तरह से हम इसको चला कर हमारा हलवा अपनी लास्ट प्रोसेस की तरफ जा चुका है अब थोड़ी देर हम इसको चलाएंगे पकाएंगे ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा नीचे से बेसन बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं दैट मीन्स ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है और हम उसकी जो लम्ब्स हैं उसको भी चेक कर लेंगे इस तरह से करके तो अगर लम्पस होंगी तो वो नहीं गिरेगा नीचे अब ये देखिए कढ़ाई इसने छोड़ना शुरू कर दिया है हमारा बेसन का हलवा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए नाव देखिए काफ़ी देर तक चलाने के बाद मेहनत करने के बाद ये मेहनत का फल तो हमेशा ही मीठा होता है और हम आज वैसे भी एक मीठी ही रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये देखिए हो गया अगर आप इसमें और ज़्यादा घी डालना चाहिए तो डाल सकते हैं नाउ इट्स रेडी टू सर्व ये देखिए मैंने इसको तिल के वाइट तिल के साथ सर्व किया है टेस्ट अमेजिंग बहुत टेस्टी था यह व्हाइट तिल वाला और आप जैसे चाहें वैसे इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं मैंने बादाम के साथ भी गार्निशिंग की है आपके